हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A30 के एंड्रॉइड 10 अपडेट्स ओवर ऑल 2.0 अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि सैमसंग अपने सैमसंग गैलेक्सी A30 को इंडिया में एंड्रॉइड 10 और 1i 2.0 का अपडेट्स रिलीज कर दिया है। लेकिन दोस्तों आप लोग सभी लोग लगभग बहुत लोगों ने अपडेट कर लिया, और दोस्तों मैंने कुछ लोगों को बोला भी था कि शायद वेट कर सकते हैं, इससे कुछ इसमें बताने वाला हूँ कि किस इंप्रूवमेंट क्या होगा और दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग बता दूँ, सैमसंग हमेशा अपने डिवाइस के साथ जो करते आया है लगातार वही किया है। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोल ही देता हूँ कि सैमसंग जो अपने डिवाइस के साथ करता है वही करते आया है। तो दोस्तों सैमसंग सेम वही गैलेक्सी A30 के साथ भी वही घटना पिछले डिवाइस की तरह घटा दिया है। जैसे कि दोस्तों बात करूँ, सैमसंग अपने इस डिवाइस इस अपडेट्स में बहुत सारे बग्स के साथ इसे अपडेट दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोग अभी तक अपडेट नहीं किए हो तो इस वीडियो को पहले देख लें, फिर उसके बाद ही अपने डिवाइस को अपडेट्स करें। दोस्तों सैमसंग इस अपडेट्स में दोस्तों कुछ बढ़िया भी कुछ भी अच्छा भी लाया था, कुछ दोस्तों बहुत कुछ बेकार भी कर दिया है। जैसे कि दोस्तों कुछ बात कर ले इसमें अच्छा फीचर्स लाने की और बेकार फीचर की लेकर अगर, तो दोस्तों पहले बेकार फीचर की बात कर लो तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात होती है जो कोई भी ऐप को इंस्टॉलिंग होता है ऐप को विजिबल में करने में थोड़ा बहुत दोस्तों प्रॉब्लम होने वाली, कभी भी दोस्तों ऐप को विजिबल नहीं कर पाता है, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं। वही दोस्तों एक और प्रॉब्लम जुड़ रही है, वही दोस्तों चार्जिंग स्पीड को लेकर। दोस्तों चार्जिंग स्पीड को लेकर दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने दोस्तों बहुत कुछ कमेंट्स किए थे कि उसमें उनके में दिक्कत आ रही है। यहाँ तक दोस्तों मेरे में वो प्रॉब्लम तभी तक नहीं आई है, बट दोस्तों बता दूं कि ये चार्जिंग स्पीड कुछ यूजर्स में आ भी रही है, कुछ है उसमें चार्जिंग स्पीड को थोड़ा बहुत दोस्तों दिक्कत हो गया है। जिससे क्या हो रहा कि जब फोन को चार्ज करते हैं तो दोस्तों इसमें चार्जिंग स्पीड को थोड़ा बहुत स्लो करता है चार्ज, तो इस कुछ प्रॉब्लम यूजर्स को आ रही है। वही दोस्तों कुछ और भी आ रही है, जैसे कि सेल्फी मोड में यानी कि सेल्फी कैमरा जब हम फोटो लेते हैं तो उसमें दोस्तों धुंधला टाइप का इश्यूज करके आ रहा था। तो कुछ ऐसे से प्रॉब्लम इस भी इसमें ही कर रहा है। वही दोस्तों बात करें इसकी परफॉर्मेंस की लेकर, तो इसमें परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत दोस्तों स्लो देखने को मिला है। वही दोस्तों हैंग टाइप का थोड़ा बहुत जो लैग कर रहा था परफॉर्मेंस, उसकी भी लैग करने लगा है, यानी कि दोस्तों बहुत कुछ इसमें गड़बड़ भी कर दिया है इस अपडेट में। वही दोस्तों इसमें कुछ सुधार की बात करें तो इसमें कुछ भी सुधार भी हो गया है, आप लोगों को कुछ फायदा भी मिल रहा है, अपडेट जो कर लिया उसको ये फायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों आपको एक चीज देखने को मिला होगा, बैटरी चार्जिंग स्पीड तो कम हुई है, जिसके में कम हो गया उसकी स्पीड कम हुई, लेकिन आपको एक चीज और देखने को मिला, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम जो था वो तो सुधार कर दिया गया, यानी कि आपकी बैटरी की लाइफ को बढ़ा दी गई, यानी कि बैटरी अब यूज करते हैं तो उसमें दोस्तों पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत अधिक चलता है बैटरी लाइफ। वही दोस्तों बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की, दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसकी पिक्चर क्वालिटी को भी इमेज क्वालिटी भी इंप्रूव किया गया है। वही दोस्तों नाइट मोड को लेकर भी इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों आप लोग नाइट में अंधेरे में फोटो लेने की दोस्तों शौकीन है, दोस्तों फोटो लेना चाहते हैं तो उसके लिए इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पिछले अपडेट से दोस्तों बेटर कर दिया गया नाइट मोड को, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A30 जिनको अपडेट्स मिल गए हैं। वैसे दोस्तों ये नेक्स्ट अपडेट में सैमसंग इस सबको सुधारने की कोशिश करेगा, जो अपडेट से हमें प्रॉब्लम खड़ी होगा नेक्स्ट वेट का अपडेट का वेट कर लीजिए। और आप लोगों को लगता है कि आप लोग जिन्होंने अपडेट कर लिया और आपको लगता है कि इस अपडेट में ये सब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो आप लोग भी अपडेट कर सके देख सकते हैं सब अपडेट को, आपको लगता है इस इशू को प्रॉब्लम को आप लोग अपने फोन के साथ रख सकते हैं तो रख लीजिए, आप लोग पर डिपेंड करता है। खैर दोस्तों मैं सजेशन दूंगा आप नेक्स्ट अपडेट का अपडेट करें और कुछ दिन बाद अपडेट देगा ही। इसके साथ दोस्तों आपको फरवरी महीने का न्यू सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा, साथ में भी जान लीजिए। और ये अपडेट की फाइल साइज की बात करें तो दोस्तों 1.4 GB के अपडेट फाइल साइज है, लमसम इतनी है। आप लोग अपडेट करें तो वाईफाई से कनेक्ट करके अपडेट करें, मेरी सजेशन में माने। तो कमेंट्स कर बताइएगा दोस्तों इस सब में किसको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली है, कमेंट्स कर जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी सैमसंग गैलेक्सी A30 की तरफ से एक दोस्तों अपडेट और खबर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अपने चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।